नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और एक स्पेशल वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि अक्टूबर की सीरीज स्टार्ट हो गई है और अक्टूबर पे कौन से स्टॉक्स हम लोग बाय करके चल सकते हैं। एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ। होने के लिए तो टारगेट आ सकता है एक हफ्ते में भी, बट ये हम एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, एक अपना प्रोसीजर लेकर चलते हैं जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं। आज मैंने अपने जो भी मेरे सितंबर्स की होल्डिंग्स थी वो मैंने आज एग्जिट तो नहीं करी है, बट मैंने जैसा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि मैं ज़ीरोधा से फायर्स में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैंने ज़ीरोधा में जितने भी स्टॉक्स बाय कर रखे थे सितंबर की सीरीज के वो मैंने एग्जिट नहीं करे, वरना मैं जनरली पूरे महीने में एग्जिट कर देता हूँ जो भी लास्ट होता है डे, बट मैंने एग्जिट नहीं करे क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी। आधी क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दी थी और मैंने वही ट्रांसफ़र कर दिया है फायर्स पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से शेयर्स भी बाय कर रखे थे और अब अक्टूबर पे मैं क्या नया बाय करने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है पर्टिकुलर अदानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, अदानी इंटरप्राइज है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 308 पे ट्रेड कर रहा है। आज हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को 302 303 के आसपास बाय करवा रखा है अदानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस लेवल पे हम लोगों ने बाय पोजीशन बना ली है और मैंने अपने फायर्स अकाउंट में भी यहाँ पर इसे बाय कर लिया है। अब ये ऊपर तो जा चुका है बट कोई बात नहीं, अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा नीचे आता है 300 रुपये के आसपास आता है तो भी आप लोग बाय के लिए मौके ढूंढ सकते हैं, और अगर इस लेवल पे भी बाय करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक मूवमेंट आई है यहाँ से 140 रुपये से 140 से अराउंड 320 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स की एक मूवमेंट आई है। ठीक है, 180 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिली है और कहीं पर भी इसने पॉज नहीं लिया है, मतलब ये पॉज नहीं, एक इस तरीके का पॉज, एक रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये कितनी कैंडल्स हो गई हैं, अगर हम उसको देखें तो अराउंड 20-25 कैंडल्स हो गई, मतलब पूरा महीना ये इसी रेंज के अंदर काम करते रहा। बॉटम्स आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर का जोन है, मतलब इसे डिमांड जोन कहते हैं, जहाँ से डिमांड आती है और स्टॉक ऊपर जाता है, तो ये जोन है डिमांड जोन। तो यहाँ पर आप देखते थे जब भी आता था बाइंग आ जाती थी और स्टॉक ऊपर चले जाता था। ये ट्रेंड लाइन है, देखिए सिंपल एनालिसिस है, कोई पैटर्न्स नहीं, मतलब बेसिकली जो हैवी पैटर्न्स होते हैं उस तरीके से नहीं, सिंपल एनालिसिस है, कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको जब मैं बताऊंगा कि जो मैंने सितंबर सीरीज के स्टॉक सेलेक्ट करे थे और किस बेसिस पे करे थे, आप बोलते कि यार ये तो मैं बिना सीखे सेलेक्ट कर लेता था, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है BTST, या दो दिन के लिए स्टॉक को होल्ड कर लिया या स्विंग ट्रेड ले लिया एक हफ्ते से लेके एक महीने तक, डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा फायदा और मुझे कम रिस्क लगता है। अब जिसको इंट्राडे में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छे से आता है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, बट कोई नए लोग हैं मैं उनको यही डेफिनेटली कहता हूँ कि बेटा स्विंग ट्रेड BTST या दो तीन दिन के पर्पज से आ जाओ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था, 4 दिन पहले इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अराउंड इसने दिया था 295 के आसपास के लेवल्स पे, बट मैंने यहाँ पर बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करी क्योंकि मैं देख रहा था ये, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिफाई होगा। या इस लेवल पर आप देखेगा, इस लेवल पे आप देखेगा तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि बार बार 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ये इसी हाई तक गया, उसके बाद नीचे फॉल आ गई है, उसके बाद दोबारा रिवर्स करा, दोबारा इसी लेवल पे हॉल्ट करा, उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। तो इस वजह से मैंने इस ब्रेकआउट में भी बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करी। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, जैसे इस जोन के ऊपर ये गया पर्टिकुलर, ये देख रहे हैं जोन के ऊपर, मैंने यहाँ पर आज अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड कर दिया अराउंड 302 पे, क्लोजिंग भी ऊपर दे चुका है। अब यहाँ पर अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मतलब पहला टारगेट मेरा 320 का है। अब आप सोच रहे होंगे मैं 12 रुपये के लिए पूरा महीना होल्ड करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 320 का मेरा पहला टारगेट है। जब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 क्वांटिटीज बाय कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं 40% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ और 60% क्वांटिटी मेरी रिमेनिंग रहती है जब तक ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब तक ये ऊपर जा रहा है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कंसेप्ट वाइज भी और स्टॉक सिलेक्शन वाइज भी, तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, एक बार मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए
जब मैंने वीकली चार्ट ओपन करा तो ये जो आप टाइम देख रहे हैं, ये यहाँ से एक स्ट्रांग मूवमेंट आई, एक डोजी बना और एक शार्प फॉल आई। उसके बाद जब ये दोबारा रिकवर करा, रिकवर करने के बाद 260 लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा नीचे आया और पिछले हफ्ते इसने यहीं पर रीटेस्ट करा, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा और अब ऊपर जा रहा है। तो मतलब क्या होता है इसका कि जैसे ये एक शेयर है, ठीक है, ये है, इसके ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट करा और अब ऊपर बढ़ रहा है। तो पहले तो सबसे अपने पहले प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और हल्का सा रिट्रेस करके दोबारा इधर आएगा और फिर इसकी रैली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वीकली चार्ट में अगर मैं इसका टाइम आपको बताऊं तो ये थी डेट अराउंड, एक सेकेंड, ये था अराउंड फरवरी 2020, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 8 महीने 7 महीने पुराना ये था। उसके बाद एक रिकवरी आई, यहां पर इसने क्या करा, रीटेस्ट, अब एक अपमूव स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले इसका हाई क्या आ रहा है, सबसे पहले इसका हाई आ रहा है 320 का, ठीक है, 320 का इसका हाई आ रहा है। जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा नीचे बाउंस करेगा, उसके बाद इसके अपमूव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जितना ये ऊपर जाएगा उतना जाने देंगे और मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा अराउंड 310 या 303 पे। तो इस लेवल को आप बाय कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा है 280, ठीक है, मेरा टारगेट है 320 और उसके बाद जो मेरे टारगेट्स हैं वो अगर मंथली चार्ट में दिखता है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने अभी चेक नहीं करा, या मंथली चार्ट में भी ये ऊपर ही जा रहा है। तो जितना ऊपर जाएगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करते रहेंगे। एक और मैं डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ ले आऊंगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा इसके आगे के टारगेट्स क्या हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक, अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। डेली चार्ट ओपन कर देते हैं, ठीक है, सॉरी वीकली चार्ट ओपन कर देते हैं। या ये मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है मुथूट फाइनेंस का, और ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाया था, आप लोगों को बोला था अराउंड 1030 के आसपास चल रहा है या 28 के आसपास चल रहा है, तो आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अभी इसका करंट प्राइस है 51150। तो मैंने ये 2-3 दिन पहले अपलोड कर दिया था कि 1130 पे चल रहा है, आप बाय बना सकते हैं। 1400 के आसपास तक का मेरा टारगेट है। आज इस महीने नहीं आएगा तो प्रोबेबली 1.5 महीने के अंदर ये आराम से अचीव कर जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, एक स्ट्रांग अपमूव आई, सेम सिमिलर था, एक स्ट्रांग अपमूव आई, कोई करेक्शन नहीं आया। स्ट्रांग अपमूव आने के बाद एक करेक्शन आया, 38 इसका फिबोनाची लूंगा तो ये लेवल आता है 38% रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। उसके बाद यहां से दोबारा अपमूव स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर, अगर मैं टॉप्स को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, एक हैमर कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर चुका है, ठीक है, वीक भी खत्म हो चुका है। तो यहां से एक अपमूव आ सकती है। मेरे प्रोबेबली जो टारगेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा इसे यूज कैसे करते हैं। या इसका जो मेरा टारगेट है, जो मेरा बेसिकली तीन चार महीने का है, मतलब जनवरी तक आ जाना चाहिए, वो प्रोबेबली 1600 रुपए का है, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट मेरा ये है जो कि 1390 का है, जब तक मैं इसे होल्ड करे रखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जितना ऊपर जाएगा मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते इसे होल्ड करते रहूंगा, और सेकेंड टारगेट मेरा ये होगा और फाइनल टारगेट मेरा ये होगा, जो कि आपको ये लेवल निकल के आ रहा है 1570, 1670, ठीक है। अब इसके स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1080 के नीचे अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोज कर जाएगा तो मैं यहां पर एग्जिट कर दूंगा। अब गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा ज्यादा आप लोग दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मैं बाय करता हूं, मैं उस तरीके से आप लोगों को सारा बता रहा हूं। अब बाय चांस अगर मार्केट बहुत तेजी से क्रैश करती है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था बहुत स्टॉक्स बहुत ज्यादा तरीके से नीचे गिर गए थे अभी 4-5 दिन पहले, बट जब मार्केट रिकवर करी तो कुछ स्टॉक्स थे जो जितना फॉल करे थे उससे ज्यादा डबल तो रिटर्न दे चुके हैं, इतनी मार्केट जब बढ़ी है, ठीक है। तो उन्हीं स्टॉक्स पे मैं काम करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी पिछला पोर्टफोलियो था वो मुझे 11,000 का लॉस दे रहा था जब ये 3 दिन पहले एक मार्केट में करेक्शन आया था, बट जैसी एक दिन कैंडल जब बनी थी बुलिश, जब 250 पॉइंट्स की निफ्टी ने मूवमेंट दी थी, वो मेरा 11,000 रुपए का लॉस अराउंड 750 रुपए का प्रॉफिट बन गया था,
जी गाइस, तो मैं 11,000 रुपए का रिस्क, मतलब रिस्क स्टॉप लॉस मेरे उसमें सारे हिट हो गए थे, सारे स्टॉक्स में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, बट मैं निकला क्यों नहीं, क्योंकि ये परमानेंट करेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस करेक्शन नहीं थी, वो थी 3-4 दिन आ रही है, भाई अपने आप रिकवर कर जाएगी, जब रिकवर करेगी तो हमारे स्टॉक्स अपने आप रिकवर करेंगे, क्योंकि चार्ट वाइज वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये अपना माइंडसेट आप लोगों को हमेशा चेंज रखना पड़ेगा। अगर आप अपने रूल बना के स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो वो कभी कभार काम करेंगे, बट आपको अपने रूल से नहीं चलना है, जो स्टॉक मार्केट का रूल है, जिस तरीके से वो बिहेव करेगी उसी तरीके से आपको बिहेव करना है, ठीक है। वो सर हैं और आप स्टूडेंट्स हो, तो जैसा सर बिहेव करेंगे, जैसा सर बोलेंगे वैसा ही आपको करना होता है। तो ये पर्टिकुलर बाय है, दो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिए, ये भी मेरे पोर्टफोलियो पे है, अराउंड 1030 पे ये मेरे इस मंथ के में है, तो मैंने प्रीवियस में अपनी होल्डिंग्स बना रखी है। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं PGHL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। या सो प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी मैंने बाय बना रखा है, ये मैंने बाय बना रखा है अराउंड 5080 के आसपास, अभी परफेक्ट लेवल में बताऊंगा, जीरो था में मेरे पास पहले से ही होल्डिंग थी, आज मैंने एग्जिट करके उसे फायर्स पे शिफ्ट करा है, और आप देख सकते हैं अभी ट्रेड कितने पे कर रहा है ये, 5235 पे, अभी ऑलमोस्ट ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, बट अभी भी बाय बनता है, अभी भी अगर ये कल 200 रुपये, मतलब कल अभी भी कल अगर 50-100 रुपये की गिरावट कर देता है तो मैं कहूँगा कि इस पर दोबारा बाय आप इनिशिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मेरा जो पहला टारगेट आ रहा है इसका आ रहा है 5600 से लेके 5550 तक का, ठीक है, इन रेंज के अंदर मेरा पहला टारगेट है, जो इसका हाई है, ये हाई देख रहे हैं जो विक बनी थी, ये मेरा पहला टारगेट है। उसके बाद वो जितना ऊपर जाएगा, मेरे पास सिर्फ आधी क्वांटिटी बची होगी, मैं उसे ट्रेल करते रहूंगा, मैं अपने पहले टारगेट पे 40-50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। और इसका जो मैं स्टॉप लॉस आप लोगों को बता दूं, तो इसका जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था 4800 से नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, 4800 था प्रोबेबली, या 4800 था मेरा बेसिस क्लोजिंग में। तो मैं आप लोगों को वही स्टॉक्स बता रहा हूँ जो मैंने बाय करे हैं, जो मैं बाय कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय या इस पर अपनी वॉच लिस्ट पर रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, जिस तरीके से एनालिसिस मैंने क्या करी थी, ये देख रहे हैं मल्टीपल बार यहाँ पर इसने हॉल्ट करा, ये वाला था, ये सप्लाई जोन था, जब मैंने अभी नीचे आपको बताया था ब्लू कलर पे, वो था डिमांड जोन, जब ऊपर बनता है इस तरीके का एक रेंज तो उसे सप्लाई जोन कहते हैं, मतलब यहाँ से एक सेलिंग आ जाती है, यहाँ से सेलिंग आई कंटिन्यूअस, ब्रेकआउट दिया, हॉल्ट करा, एक बार रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, एक रेड कलर की कैंडल बनी, और इस लेवल के आसपास मैंने अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट कर दी है, ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा 5300 के ऊपर, मैटर ऑफ टाइम मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये 5600 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा गाइस, ठीक है। मतलब मैं अपने हिसाब से जो मैंने प्लानिंग करी थी, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, उस तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, डेली चार्ट अगर एक बार इसका देखते हैं तो आप यहाँ देखिएगा, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करा, एक शार्प मूव आई, हल्का सा नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को क्लोज नहीं करा या फिर उसको टेस्ट नहीं करा, और अब यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है, अभी और ऊपर जाएगा, और अभी भी ये 5400 के आसपास तक गया था, ठीक है, बट मैंने इसे एग्जिट करा था अपने जीरोधा में 5218 के आसपास, और मैंने दोबारा फायर्स में बाय कर लिया था 5225 के आसपास, ठीक है। तो ये था मेरे एक बाय लिस्ट में, ये तीन स्टॉक्स हो गए हैं मेरे बाय लिस्ट पे। और अब आता है नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट, ठीक है, अब इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं, हाँ, अब आप इधर देखिएगा, सबसे पहले ये एक सप्लाई जोन है, जब भी मैंने आपको बताया था ऊपर जो बनता है ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट करा, जिस लेवल पे ब्रेक हुआ वहां पर रीटेस्ट करा, जब दोबारा ऊपर बढ़ा तो ये इसका हाई था ना, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, मतलब ब्रेकआउट दोबारा दिया, जब दोबारा रीटेस्ट करा इसने, दोबारा रीटेस्ट करने के बाद इसने कहां पर लो मारा, जो इसका प्रीवियस हाई था, फिर ये ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद इसने क्या करा, अब आप यहां देखिए, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे आया,
और इसी को रीटेस्ट करा। अब रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मतलब बेसिकली 825 का लेवल का ब्रेक होने का मैं वेट कर रहा हूँ, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, या मुझे लगता है कि एक घंटे के चार्ट में क्लोज कर सकती है, जो मुझे प्रॉबली पता है कि क्लोज कर सकती है, तो मैं यहाँ पर अपनी बाइंग इनिशिएट कर दूंगा। मेरा पहला टारगेट जो आ रहा है वो 860 का आ रहा है, जिसमें मैं अपनी 40% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। ब्रेकआउट पे जैसे ही और ऊपर जाएगा तो मैं 10% क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी और एग्जिट कर दूंगा, फिर रीटेस्ट पे मैं और बाय कर लूंगा, क्योंकि अब इसकी रैली स्टार्ट हो गई है। अब देख रहे हो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अपने यहाँ पर हॉल्ट करा, फिर ऊपर गया नीचे आया, यहाँ हॉल्ट करा। अब आप देख पा रहे हो कि ये जब एक कंटिन्यूस पैटर्न में काम कर रहा है, जब तक ये पैटर्न फेल नहीं होगा मैं स्टॉक से नहीं निकलूंगा, ठीक है। जब तक स्टॉक का पूरा मजा ले सकते हो उस तक, तब तक मजा लिया करो गाइस। ये नहीं कि मेरे को एक हफ्ते में, मेरा रूल है कि मुझे एक हफ्ते में एग्जिट करना है तो मैं करूंगा, मैं मेरा रूल है कि मैं महीने के एंड में एग्जिट कर देता हूं, बट जब मैंने सितंबर के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं और मुझे उस पर अभी भी प्रॉफिट की उम्मीद है, तो मैं क्यों उन्हें एग्जिट करूं, जब मेरे पास कैपिटल है मैं अपने अक्टूबर सीरीज के लिए और बाय कर सकता हूं, ठीक है। तो जब तक ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है तब तक मेरे लिए होल्ड में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टॉक, गोदरेज कंज्यूमर। देखिए बीच में और भी स्टॉक्स मिलते रहते हैं देखने के लिए कि लगता है कि यार उसे भी बाय कर लो, बाय कर लो, तो मैं पूरी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करता, जो मैंने सितंबर की सीरीज में बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने इन्वेस्ट कर लिया था और मैं दोबारा ऐड नहीं करता जब मैं एक बार कर लेता हूं, ठीक है, पूरे महीने। तो अब मैंने ऐड कर लिया है फायर्स में, तो अब देख सकते हैं इसको लिए, इसके लिए सबसे बढ़िया है मैं अगर आप लोगों को बताऊं वीकली चार्ट पे। हाँ, अब आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। अब आप देखिएगा ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जो कि लेवल आ रहा है 770 के आसपास का। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, मैं आपको पहला बता दूँ, अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड ये 730 के आसपास, 730 735 के आसपास, ठीक है। अब आपको देखने वाली चीज़ ये है, ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई और अब ब्रेकआउट दे चुका है, क्लोजिंग दे चुका है, मतलब बेसिकली एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट दे चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी लेवल से जो मैंने अभी आपको बताया एक रेजिस्टेंस है, नीचे आया, हल्का सा दोबारा इसने पॉज लिया और ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ये परफेक्ट नहीं कहूँगा बट एक कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसे बाय कर रहा हूँ, 30-40% क्वांटिटी में 770 के आसपास एग्जिट कर दूंगा, और जब इसका ब्रेकआउट आएगा वीकली चार्ट में क्लोजिंग भी आ जाएगी, मेरे पास 60% क्वांटिटी तो बचेगी, प्लस मैं और थोड़ी बहुत क्वांटिटीज इसमें और ऐड कर लूंगा, क्योंकि फिर मेरा टारगेट होगा 850 प्लस का, ठीक है। तो ये थे मेरे पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स, बिल्कुल कुछ ऐसे पैटर्न्स नहीं बने थे जो मैंने आप लोगों को बताए ना हो अपनी वीडियोस पे, बिल्कुल सिमिलर सेम था, ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस था और कुछ नहीं था गाइस। इस इजी एनालिसिस आप लोग भी कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपना ज़ीरोधा, तो ये स्टॉक्स थे मेरे अपने मंथली, मतलब मेरे सितंबर पे, थोड़े बहुत और थे जिसको मुझे प्रॉफिट मिल गए थे तो मैंने बीच में एग्जिट कर लिया था, बट ये थे जो आज मैंने एग्जिट करके, इन्हें एग्जिट नहीं करा गाइस, ये मैंने फायर्स पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, इन्हीं लेवल्स के आसपास शिफ्ट करा है, मैंने इन्हें एग्जिट नहीं करा, अभी भी होल्ड है ये। ब्लिस फार्म, ब्लिस जीवीएस था, ब्लिस जीवीएस मैं आप लोगों को दे नहीं सकता क्योंकि मैंने 152 पे बाय करा था, अभी 176 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, तो ये अभी तो मैं आप लोगों को दे नहीं सकता। आयरस भी मैं नहीं दे रहा था क्योंकि ये भी ऊपर था, ग्रासिम मैं नहीं दे रहा था क्योंकि ये भी ऊपर था, PGHL मैंने दे दिया था क्योंकि मुझे इसमें अभी भी अपसाइड बची थी। ये सारे स्टॉक्स मेरे पास होल्ड में है, सोर सेंट्रल को छोड़ के, इसे मैंने आज एग्जिट कर लिया है, ठीक है। ब्लिस फार, ब्लिस जीवीएस, आयरिस, ग्रासिम, प्रोक्टल एंड गैम्बल, क्विक हील, रिलायंस, टाटा मोटर्स, DVR, ये सारे स्टॉक्स मेरे होल्डिंग्स में थे जिन्हें मैंने एग्जिट करके फायर्स में शिफ्ट कर लिया, प्लस मैंने अदानी इंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस बाय कर लिया है। मैं दीपक नाइट्रेट के लिए वेट कर रहा हूँ, गोदरेज कंज्यूमर के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, ये था मेरा बेसिकली आज, मैंने बस गलती ये थी सितंबर पे मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, पर ये था कि मैंने सारा का सारा जो भी मेरा पोर्टफोलियो, मैंने एक महीने के लिए मैं एक अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इतना अमाउंट लगाऊंगा, तो वो अमाउंट मैं पूरा लगा दिया था और मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें मैं काम ही नहीं कर पाया था।
ठीक है, तो मैंने आज अपने एग्जिट कर लिया है। अब इसमें मैं ज़ीरोधा से हट रहा हूँ, हट नहीं रहा हूँ, बेसिकली जो 3,37,000 रुपीज़ हैं इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 50 या 55,000 रुपीज़ मैं रख रहा हूँ ज़ीरोधा में, जिसमें कभी कभार अगर मुझे इंट्राडे करना पड़ा तो मैं इंट्राडे करूँगा, वरना ये इसी में पड़े रहेंगे। और ये अमाउंट मैं फायर्स पे शिफ्ट कर दूंगा और उसी से मैं अक्टूबर सीरीज के लिए स्टॉक्स खरीदूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बेसिकली इसी वीडियो में आज इतना ही था बताने के लिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगली वीडियो बेसिकली वही होगी कि हम लोगों को मंडे को कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, और भी थोड़ी बहुत कल डिस्कॉर्ड की वीडियो भी आ रही है कि मैंने डिस्कॉर्ड का जो आप लोगों के लिए चैनल बना रखा है जिसपे मैं कॉल्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, हाँ जी हाँ, जो मैं कॉल्स प्रोवाइड करवाता था पर्सनली क्लाइंट्स को, वो भी अब आप लोगों को प्रोवाइड होगी, प्लस सिखाया जाएगा, प्लस पब्लिक लॉन्च है, कोई भी आके कुछ भी बात कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड होती है, ज़रूर वीडियो लंबी हो गई होगी बट डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पर।